Welcome back to another episode of Ghazal Jawad Channel. क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और रात के इस पहर में व्लॉग शूट किया जा रहा है। देखें आपकी बहन कितनी डेडिकेटेड हो गई है यार। इस पहर में व्लॉग इसलिए शूट किया जा रहा है क्योंकि आज मैं अपनी पूरी फैमिली से मिलके आई हूँ और एक नया एंथुजियाज्म मेरे अंदर आ गया है। ठीक है जी। और मेरे पास अभी पुराना कोई व्लॉग पड़ा नहीं हुआ था, मैं प्रॉपर रेगुलर व्लॉग्स कर रही हूँ, डेली व्लॉग्स कर रही हूँ आप लोगों के लिए पिछले दो हफ्तों से। तो अभी जो है हम आज अभी करेंगे गिफ्ट ओपनिंग वाला व्लॉग जो कि हमें एनिवर्सरी पे मिला था, और फिर उसके बाद कल रज्जू भाई के साथ हम वो वाला व्लॉग लगाएंगे जिसमें हम लोगों ने अपना 500K का रज्जू भाई का सेलिब्रेशन किया। ठीक है जी। तो अभी गिफ्ट ओपनिंग शुरू करते हैं। हमने सेटअप लगा लिया, ये जरा दिखा दें मेरे सारे तोहफे तहफ ऐसे तुम्हारे नहीं प्यारे से मेरे ही है, तुम भी मेरे ही हो। ठीक है, तो अभी हम करेंगे गिफ्ट ओपनिंग और फिर देखते हैं किसने क्या क्या दिया है, मेरे पैसे वसूल हुए। चलो भाई। ओके जी, तो इतने सारे तोहफों में सबसे पहले जो बड़े बड़े तोहफे हैं ना वो खोल लेते हैं। अच्छा जी, लालची सी औरत हूं। ये बे वाला शुरू करें पहले? करें। मैं पूछूंगी जवाब से कि किसने दिया था। अच्छा चलो, क्यों बताएं किसने दिया था? ये महापी ने दिया था। महापी की तरफ से। महापी मेरी बहन। हां जी, महापी जवाब की बहन। और मैं पहले एक मिनट रुक जाए, खोलने से पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि महापी बाबा की जो बहन है उनकी बेटी है, मतलब कि जवाब की फुफ्फो की बेटी है। तो कोई झूठ झूठ नहीं था जी भैया, हम झूठ झूठ नहीं बोलते। फुफा जी ज्यादा। हाँ, ज्यादा वाले फुफा जी हमारे। सफर खड़े कुछ नहीं। हाँ, फ्रेम है जी, फ्रेम है, वेरी नाइस। मैंने रूम अपना रेनोवेट करना है तो उन्होंने मुझे पहली चीज ला दी है कि बीबी है लला जी। अब आप इसे ज्यादा लगा ले, रूम रेनोवेट का व्लॉग जल्दी आने वाला है क्योंकि आने वाला है इंशाल्लाह। आने वाला है। दिस इज द फ्रेम, यू रियली लाइक इट, थैंक यू सो मच महापी। बहुत शुक्रिया महापी आपका। प्यारा है जी। जी बहुत प्यारा है। ये जी यहां पर रखो। ये जो गन चल रहा है ये भी कहीं पे करें। इधर कुछ गन। अच्छा जी, दूसरा ये क्या है? ये जवाब नहीं है बाद में। अच्छा, ये हम एंड में खोलेंगे इसको। इधर छोटा है बट बड़े काम का है। ये भी है, छोटी सी डिबिया, ये हमें दी थी अश भाई ने। ये किसकी? अश भाई मेरी की जवाब की जी। मेरी है, मेरी है, मेरी थी रानी जी। अच्छा जी, ये मुझे अश भाई ने दी थी। हाँ, ये तुम्हें दिया था, ये मुझे दिया था। मेरे देखे, मेरे गिफ्ट नहीं, मुझसे आप छीन सकते। ये वाले काम में आएगी ना, ये वो अकलमंद है मेरे शॉर्ट में। ये इधर रखे और ये अर्शद भाई ने दिया था जवाब साहब को। ये लीजिए, आप खोलें। खोलो खोलो। वैसे तो मैंने उम्मीद है ना शायद चंगी लगी होगी क्योंकि ये इसकी जो। वाह जी वाह, भाई वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। मजा आ गया भाई, यकीन करें। उधर भी तो दिखाओ ना, उनको भी तो दिखाओ। सॉरी, ये देखिए भाई, मेंशन करें अपने भाई को इसमें। ऐसा बेटा, बाद में तुम पहन के भी दिखाना है। हां, हां बेबी और मेरी व्लॉग में भी पहन के। अन करीब कोई पहन के आपको सेरेमनी में पहन के दिखाएंगे। बल्कि सेरेमनी याद तो नहीं है यार, शुरू हो जाओ। रजत भाई के पेज पे चले जाओ, जाके कमेंट करना शुरू कर दो। 500K का खाना ट्रीट चाहिए हमें। 500K ऐसे पीछे पड़े थे जैसे हमारे पीछे पड़े थे। हां अच्छा जी, ये दिया था रजत भाई ने जवाब को। ये ले, अब आप अत्याचार करेंगे उसके ओ। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। शूज है भाई, शूज है। एक मिनट, टेप लगी है। ऐसे। भाई वाह। एडिडास। भाई वाह। नाइस जॉब। वेरी गुड। वेरी ब्रिटिश। जबरदस्त। भाई कमाल। सीधे करके दिखाएंगे। ये मारना नहीं पाना है। नहीं, उन्होंने देखा है कि लगेगी तो नहीं कितने हाथ आ जाएंगे। मजबूत मजबूती चेक कर रहे हैं।
नहीं बहुत प्यारे भाई, बड़ा रजब भाई के साथ बड़ा सख्त और टिकाऊ है, ठीक है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया रजब भाई, थैंक यू, थैंक यू रजब भाई, लव यू। अच्छा जी, ये रख देते हैं इधर। या तेरे प्रॉब्लम तेरे को गिफ्ट देता है वैसे, ए बड़ा तेरे काम की है ब्राउन वो वाला, वो वाला आगे आगे ये वाला है रजब भाई का, ये देगा। ओ बिस्मिल्लाह, ये रजब भाई ने दिया था मीजे। मीजे, अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने उसको घड़ी दी थी बहुत महंगी, अपनी औकात से बाहर की, अगर ये मुझे वसूल ना हुए तो रजब भाई गेट रेडी फॉर पैकिंग। देखो तुम्हें साथ तकिया भी दिया। मैंने भी दिया था ये देखें, ये देखें। बहुत शुक्रिया रजब भाई, थैंक यू सो मच रजब भाई, आई लव यू। इसके बाद वो वाला लेके आएगा ये, हाँ ये भी, और वो जो आगे पड़े वो भी ले, वो भी, ये भी अगला वाला भी ले, ये अंकल वाला। ये मुझे दिए थे जी बाबा ने, एक जवाब का इसमें और एक मेरा है। बाबा डिफेंड करे, कौन सा बाबा? देखिए आपके वाला आपके पास आता है कि मेरे पास? ओह मेरे पास, ओ मेरे पास, ओ भाई ये मेरा है, मुझे पता है। ये है जी जवाब का सूट, खूबसूरत कलर है भाई, वाह जी वाह। ये बटन से बीच में था, ये मेरा है, ये मेरा है, ये जनाब गजल का, ये पापा ने दिया मुझे। मेरे बाबा को ये कलर बहुत पसंद है, मैजेंटा कलर, मैजेंटा और पिंक, और एक ये भी। फैंसी फैंसी सा फील हो रहा है मुझे थोड़ा सा, मगर थैंक यू सो मच बाबा, बाबा बहुत अच्छा आपने कलर दिए, आप बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अगला वो बताओ है जी, मैंने ये दिया था हमें अम्मा ने, जवाद अली को, जवाद अली खोले, अपने को बाबा सूट इकट्ठे हो रहे हैं, शुरू हो जाओ कमेंट करना, मैं उन पाने ने मुझे लेदर जैकेट, यकीन करे बड़ी पसंद है, मैं सवात भी गया था तो मैं ढूंढ रहा था ना लेदर जैकेट, मुझे नहीं मिली। देखो यार लेदर जैकेट तो आई गई है, एक लेते हैं हार्ली, उस पे आगे तुम और पीछे वेरी गुड। क्या तुम्हें अपने गुर्दों से प्यार नहीं है? क्यों? क्योंकि सबके गुर्दे बिकेंगे, और ये जो कैमरा मैन है ना इसके भी बिक जाएंगे फिर हार्ली के चक्करों में, हार्ले के चक्करों में पैदा कोई नहीं है, हार्ले के खैर है, जो मेरे पास गाड़ी है उसमें जैकेट पहन के फिरूंगा, ठीक हो गया, दिखाने के लिए उतर जाया करूंगा, कोई मसला नहीं। तस्वीरें मैं बताती हूँ इनकी, इन सारी चीजों में तस्वीरें मैं ले लूंगी और वो इनकी इंस्टाग्राम पे होगी, उनका लिंक भी मैं डाल देती हूँ, जाके लाइक कर ले, ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब कर ले। जो मैंने आपको दिया वो है नीचे वाला, हाँ जी मैंने कहा देती हूँ। अच्छा जी, इसको रखे साइड पे, अच्छा इसको बड़ा ध्यान से इसको दोबारा उसके अंदर ही डाल दो, नहीं आती इसमें यार। अच्छा ये किसका है? ये भी मेरी तरफ से, किसका है ये? भाई का, ये भी मेरा ही है, पापा और अम्मा ने ये खोले, लग रहा है ना तुझे लूट ही ले आए सी। वाह जी वाह, स्वेटशर्ट्स फ्रीटी, देखिए जैकेट नीचे कुछ पहनना भी तो होता है, बात तो सही है। हाँ खाली जैकेट तो देना, वैसे देखिए मुझे जॉगर भी मिल गए, स्वेटशर्ट भी मिल गई, जैकेट भी मिल गई, या कोई पैंट भी ला जाओ, कोई देख लो कोई पैंट भी ला दे, हाई वैसे शायद माइट भी पैंट भी ला दे, नहीं नहीं शर्ट नहीं ला, नहीं जनाब बहुत शुक्रिया जी, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अम्मा, इट्स वेरी प्रीटी। अच्छा ये घड़ी वाला जरा उधर रखिएगा यार, रुक जाओ गजल, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना इसको ओपन करूं। ये किसने दिया था हमें? अम्मा ने दिया, अम्मा ने मुझे दिया था, नहीं नहीं बात मत,
बड़ा है ना बहुत सारा, तो मैं कुछ और ये किसने लिया था, ये उसी के साथ, उसी के साथ ही है। फिर हम पहले वो ओपन करेंगे। रुक जाए प्यार इश्क और मोहब्बत के जान दी है देखेगी अमना, बहुत शुक्रिया आपका। हम अमना को दिल से दुआएं दे रहे हैं। नहीं नहीं हाँ चाहिए यार ऐ ते वाकई तुसी बड़ा बड़ा काम कीता है। मेरा रूम डेकोर हो जाएगा, मेरा रूम डेकोर हो जाएगा। ये पकड़ो हां मैं लग गई समझ रहे, मुझे असर क्या हुआ था पहला। ऐ तुसी बड़ा चंगा काम कीता है, यकीन करो मेरे पीछे पे अपनी फैमिली को इसको जला के भी दिखाना है। नहीं नहीं मैं अपना रूम लगाऊंगा ना, मैं दिखाऊंगा। अच्छा ये पकड़ लो, उसका दूसरा उसमें पड़ा हुआ। इसका दूसरा हिस्सा इसके अंदर है, इसको सही कर। उसका उसी के अंदर है। हाँ जी इसके अंदर है। मैंने उसको लगाया बड़े अरसे से मांग रही थी जवाब से, इनको टाइम नहीं मिल रहा था मुझे लेके जाने का। कोई बात नहीं, फैमिली किस लिए होती है, एक के पास टाइम ना हो तो दूसरे जाके ले। ये मैंने अपने कार से ली है, कसम से। थैंक यू सो मच। मैं क्या मैं कुछ ही दवा कपड़े रहते हो दे दे। दिस इज वेरी प्रिटी, आई लाइक इट। ये था जी अम्मा की तरफ से मुझे, ठीक है। अब ये मेरा है, ये पापा ने, बाबा ने दिया जवाब को। ये नहीं, ये खोलने वाला है। ये पापा ने दिए कि तुमने दिए? पापा ये बाबा ने दिए मेरे लिए। लग रहा है पापा और गजल का मैच पै गया है ना, मैच पै गए जी। हाँ जी प्रैंक हो गया आपके साथ, मेरे साथ एक छोटा सा प्रैंक हो गया। अभी हम दूसरा गिफ्ट ओपन करते हैं, तो आपको दिखाती हूँ क्या प्रैंक हुआ हमारे साथ। अच्छा जी चले, कोई बात नहीं, घर में ही आ रही है चीजें। ये जनाब ये मुझे बाबा ने लैपटॉप दिया है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्किंग बच्चा हूँ। चल झूठा, उन्होंने सोचा कि इसको लैपटॉप देके छह साल से जवाब के पास एक ही लैपटॉप है। हार्ड वर्किंग सीखे, मेरा वो वाला लैपटॉप भी दिखा दे प्लीज, जो कि इलामा इकबाल के जमाने का है वो, ठीक है। तो ये लैपटॉप की हालत देखें, मेहनत कर करके उसके ये देखें, मैं दिखाना चाहूंगी, ये देखें, ये भी देखें, ये डिजाइन है इसका। हाँ, ये स्टाइल है, ये बाबूराव का स्टाइल है। बात तो सही है, खैर ये लैपटॉप मुझे दिया जी, बहुत ये दिया है बाबा ने। अब आप ना ये खोलना मेरे वाला। अच्छा जी, हम आपके वाला ओपन करें। ये कार्ड में क्या है? मैं पढ़ के सुना देती हूँ। अच्छा बताओ। इवन इट Even if it wasn't me who packed the gift or wrote this card, I still love you from the bottom of my heart. एक
मेरा सवाल है, लिखा किसने? मैं बताने लगी हूँ, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। मैंने अपने पिछले व्लॉग के कमेंट्स में ये बहुत सारी बातें सुनी है लोगों से कि जी अगर गजल के लिए सरप्राइज था तो गिफ्ट कैसा आया। ये गिफ्ट मैंने जवाब का, हमारी एनिवर्सरी 31st को होती है, मैंने 31st से भी 5 दिन पहले मंगवा के आमना के घर रखवाया हुआ था कि आप अपने घर रख लो क्योंकि मेरे घर गया तो जवाब को पता चल जाएगा, ठीक है। बिकॉज इट वॉज अ सरप्राइज फॉर हिम, मैंने आमना के पास रखवाया हुआ था क्योंकि आमना को सरप्राइज का पता था और उसने जस्ट भाई के साथ ऑर्गेनाइज कराया था, तो वो पैक करके और ये वाला कार्ड लेके लेकर आई थी। ये पास हो गया, जरा कार्ड बढ़ा दे लोगों को, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये उसने लिखा हुआ, ठीक है जी। तो अब आप ही ओपन लिखा होगा। अच्छा जी, ये पहली बात कार्ड बड़ा अच्छा आमना ने लिखा है, ये जरा फिर कार्ड में कुछ ना ही हो तो बेहतर है। नहीं, ये उतार लेना ऊपर से। अच्छा ये भी ठीक है, फिर तो उसको फाड़ो यार, तो उसको फाड़ो। अब आप इसे अंदाजा लगा लें कि अगर सेम होते तो गजल तो फिर कभी एक जैसे ना होते गिफ्ट, अगर हमें पता होता, क्यों भाभी गुड यार, गुड, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, बहुत मेरा पुत्र, इसी पे आपने काम किया करना है, बहुत खूबसूरत। क्योंकि मैं बड़ी बहुत टीज करती थी जवाब को कि भाई लैपटॉप ले लो, लैपटॉप ले लो, लैपटॉप ले लो, फिर हमारी एनिवर्सरी आ गई तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही ले देती हूँ। यार ये तो बहुत खूबसूरत है, मेरी बेटी ने इतने प्यार से देखी मुझे। अच्छा जी, फाइनल गिफ्ट जो के जवाब ने मुझे दिया था वो है ये। सबसे छोटा गिफ्ट है ये, वो मेरा था। हाँ, अच्छे से थोड़ा सा बड़ा था, मुझे पता था कुछ गोल्ड का होगा। ब्रेसलेट, दिस इज वेरी प्रिटी, मुझे पहले से ही पता था कि ये तो कुछ ना कुछ गोल्ड का होगा। हाथ में पहन के दिखाओ ना यार, ये तो इसकी किस्मत है ना कि गोल्ड इस पे बहुत ही राजी है, क्यों ही? हाँ। This is very pretty, thank you so much. I expected कि मुझे कुछ गोल्ड का मिलेगा। Thank you so much. ये तो तुम पहन सकती हो, तुम्हें तो वैसे नॉर्मल ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं। देखिए जी, आप सब जानते हैं माशाल्लाह, अब गजल ने काफी जगह आना जाना होता है, सो मामलात होते हैं, तो फिर मैं चाह रहा था मेरी दीदी जहाँ भी निकले अच्छी दिखे, और मेकअप भी ज्यादा करती नहीं है, बट ये कि इसको जरूरत भी नहीं है, बंदे तो कहते रहते करो करो, भाई नहीं जरूरत, मैं कह रहा हूँ तो कोई जरूरत वाली बात नहीं है, तो ये था, तो मैंने इसको गोल्ड का गिफ्ट दिया। और इसे वैसे भी इतनी ही स्पेसिफिकेटेड चीजें पसंद, छोटी छोटी सी चीजें पसंद है, मुझे ज्यादा बड़ी बड़ी पसंद नहीं है। मुझे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जैसे के पास मोबाइल, वैसे तो गोल्ड भी है मगर मोबाइल भी है, कपड़े भी हैं, हर चीज भी है, लैपटॉप भी इसका है माशाल्लाह काफी अच्छा, तो सारा कुछ ही था, तो मैंने कहा यार चलें चीज ऐसी देते हैं जो गजल को इंशाल्लाह फ्यूचर में भी काम आए, तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा गिफ्ट अच्छा लगा होगा, और हम और गजल और मुझे तो भाई हम सब आप सब लोगों का गिफ्ट, आप सबके तोहफे बहुत अच्छे लगे, थैंक यू सो वेरी मच। सबसे बड़ा तोहफा वो होता है जो आप अपना टाइम निकालते हैं और अगले बंदे के लिए कुछ सोचते हैं। जवाद ने जो सारा कुछ सामना और अश्विन भाई से बोला हुआ था कि जी ऐसे ऐसे करना है, आई वॉजेंट इन्वॉल्व एट ऑल, मुझे ये कह के लेके जाया गया था कि जी कुछ फ्रेंड्स हैं जवाद के कॉलेज के टाइम के जिन्होंने मिलने आना है, और लिटरली मुझे शक भी नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होने वाला, बिकॉज कहीं ना कहीं जवाद थोड़ी मशकूक हरकतें करते हैं इस तरह की चीजों में जो कि उन्होंने नहीं की अच्छे तरीके से कवर कर ली, तो मुझे शक भी नहीं हुआ। और ये गिफ्ट मेरा अगेन बता देती हूँ, ये आमना ही लेकर आई थी पैक करके, उसने कार्ड भी लिखा हुआ था जो कि मेरे पास है, और ये उसी की हैंडराइटिंग है, मेरी नहीं है, ठीक है जी। तो इट वाज अ टोटल सरप्राइज फॉर मी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। ईमान को स्पेशल थैंक यू फॉर कमिंग बिकॉज आई वाजंट एक्सपेक्टिंग इट, और उनका आना टाइम देना, मेरे लिए फूल लेके आई थी, केक वगैरह लेकर आई थी, तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। और वैसे भी फैमिली जब इकट्ठी होती है तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच अम्मा बाबा, आप लोगों का भी
कि आप लोगों ने टाइम निकाला और फिर इतना सारा कुछ सोच विचार करके आप लोग लेकर आए. थैंक यू सो वेरी मच. और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे एनिवर्सरी विश किया था. एक और बात कि इस सब गिफ्ट में आमना का गिफ्ट नहीं है, ठीक है जी. वो गिफ्ट उसने ऑर्डर किया हुआ है जो कि डिलीवर नहीं हो पा रहा अकॉर्डिंग टू हर. तो उसने सारा मैनेज वगैरह किया अर्शद भाई के साथ. तो उसने मुझे बता दिया था कि जी आपका गिफ्ट आप तक पहुंच जाएगा, बट अभी फिलहाल वो क्योंकि फॉर सम रीजंस टेक्निकल रीजंस डिलीवर नहीं हो पाया है, तो आपको मिल जाएगा. तो वो भी आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी. ठीक है जी, कुछ कहना चाहेंगे मैम? नहीं, बस ये कि आमना ने बहुत अच्छा हमारे साथ कोऑपरेट किया, यहाँ तक कि इसने तुम्हारे वाला गिफ्ट भी नहीं हमें बताया. पैक भी कर दी और हंसती भी रही. आमना वही ऐसी बंदी है जिसको हमारे गिफ्ट भी पता थे और आपको पहले दिन तो पता थी. दो लैपटॉप हो गए नहीं, बस करो यार, बस करो. क्या आमना व्लॉग में रहे, आमना की कोई बात नहीं करेगा यार. आमना तुम जा भी रह जा, तुम खुश रहो, तुम भी रह जा, व्लॉग में रह. आप आमना, थैंक यू सो मच, वी लव यू. ऑल ऑफ दिस फैमिली इज योर फैमिली एज वेल. यू हैव टू मोर ब्रदर्स, मैं तो बहन हुई हूँ, एंड टू मोर पेरेंट्स एज वेल. वी लव यू. नाउ यू हैव टू सिस्टर्स आमना. नाउ यू हैव टू सिस्टर्स. हाँ, इमान भाभी एंड व्हाट इज योर नेम, गजल. नाउ यू हैव टू सिस्टर्स. थैंक यू सो वेरी मच. इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को एंड. आपके इंतजार का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया. आप सब लगात होती है एक नए व्लॉग में जो कि होगा कल का व्लॉग, विच विल बी ऑफ 500K सेलिब्रेशन ऑफ रज भाई. तो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दिएगा. सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो ज्यादती है, मैं पैसे ला देने ना यूट्यूब पे. सब्सक्राइब करो. खैर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. पर करेंगे हम 1 2 3 अल्लाह हाफिज.